आज पड्डू बनाएंगे। ये कन्नड़ा में पड्डू कहते हैं, तेलुगु में गुंतु पोंगनाल कहते हैं। ये पड्डू बनाने के लिए बैटर एक दिन पहले तैयार करके रखना पड़ता है। तो अभी बैटर के लिए चावल ले रही हूँ, इस छोटी कटोरी से ले रही हूँ। ये 4-5 लोगों के लिए हो जाता है। देखिए, 4 कप चावल ले रही हूँ, 1 कप पवा, 1 स्पून उड़द का दाल, 1/2 स्पून मेथी। देखिए, इसको धो रही हूँ, 3-4 बार धो के अच्छा पानी डाल के 6 घंटा इसको भिगा के रख देते हैं। देखिए, 6 घंटा हो गया है। अभी इसको मैं एक मिक्सी जार में डाल के पीस के, नाइस पीस के बैटर बना के एक दिन पहले रखना पड़ता है। उसके लिए जो सामग्री चाहिए, ऑयल, कैरेट कस के 1/2 कप लिया है, ग्रीन मटर 1/2 कप बॉईल करके लिया है, नारियल थोड़ा सा, कड़ी पत्ता काट के लिया है, अदरक, हिंग, राई, नमक, हरी धनिया काट के लिया है, उड़द का दाल, चने का दाल 1-1 स्पून, ग्रीन मिर्ची। अभी इसको चोंक लगाएंगे। ये जब बनाते हैं उस समय इस बैटर को मसाला डालेंगे। गैस पर कढ़ाई रख के तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होने के बाद सरसों डाल रही हूँ, चने का दाल, उड़द का दाल, हिंग, इसको भून लेंगे थोड़ा, रोज़ कलर आने जितना भुनेंगे। देखिए, रोज़ कलर आया है। कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, अदरक डाल रही हूँ, ग्रीन मिर्ची, कैरेट जो कस के रखा था ना, वो भी इसमें डाल रही हूँ, मटर, घुमाते घुमाते सब डाल देते हैं, नारियल। अब इसको स्वाद अनुसार नमक, लिड बंद करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी ये मसाला ठंडा हो गया है। इस मसाले को अभी बैटर में डाल रही हूँ। देखिए, हरी धनिया भी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए, 1/4 स्पून इडली का सोडा पानी में मिला के डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी ये पड्डू बनाने वाला सांचे को गैस पर रख करके गरम करेंगे। उसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते हैं ऐसा। थाली बंद करके रखेंगे 1 मिनट के लिए। देखिए, देखिए पक गया है। अभी इसको चाकू से ऐसा घुमा रही हूँ, चारों तरफ ऐसा पक जावे। देखिए कितना अच्छा पड्डू रेडी हो रहा है। मीडियम गैस में ये रखना होता है, क्योंकि अंदर तक पकना है ना, इसलिए। देखिए, पड्डू रेडी हो गया है। अभी इसको सर्विंग बोल में निकाली हूँ। इसको चटनी के साथ नाश्ते में या शाम को खिला सकते हैं। पड्डू रेडी।